ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है अच्छा फ्री रेंज में। हाँ ठीक है, चलो ये दिखाओ थोड़ा एक बार। चलो अपने किस तरीके से ये रूम सा बना रखा है अपने, ये किस चीज का रूम है? ये जो सेवा पर बैठी है ना मुर्गियाँ। अच्छा सेने के लिए। हाँ ये देखो दोस्तों, अच्छा से भी रही हैं फिलहाल। हाँ, ना से रही हैं। अच्छा ये देखो, ये मुर्गी से रही है अंडे, और इस साइड भी ये से रही है। ये देखो इस साइड भी से रही है, तीन मुर्गियाँ बैठी हुई करीब। और ये गाटर। अच्छा 2 लाख के करीब लो आया था। 2 लाख का लो आया था। हाँ बाकी इसमें 50,000 के लगभग लेबर लगी थी, मजदूरी मिस्त्री की। अच्छा और ईंट और मसाला ये। हाँ अलग है। अच्छा अलग है, तो इस तरीके से आपने 7 लाख लगा दिया। हाँ 7 लाख लगा दिए, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने 7 लाख रुपए लगा दिए। हाँ टोटल 7 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख रुपए के जिसमें ये मुर्गे भी लेके। अच्छा मुर्गे भी लेके आए थे आप। हाँ तो मतलब कंस्ट्रक्शन में 6 लाख रुपए लगा दिए आपने। हाँ 6 लाख रुपए लगा दिए। अच्छा अच्छा आपने इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, तो इसकी मैं वजह जानना चाहूंगा सर आपसे। वजह इसकी ये है कि इसको मैं ओपन रेंज में करना चाहते थे। हाँ करना चाहते। अच्छा तो आपने मतलब इसको, आपको पहले आपने कैलकुलेशन लगाई थी भाई कितना फायदा होगा मेरे को इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग में? हाँ कैलकुलेशन लगाई थी, तभी आपने ये पैसा इतना इन्वेस्ट किया था। हाँ, तभी किया था इतना। अच्छा तो ये देख लो दोस्तों सर का फार्म, ये देख लो करीब 1 एकड़ में सर ने ऐसे फार्म बढ़ा रखा है, और एकदम फ्री रेंज में है मुर्गे आराम से। देखो दोस्तों, अच्छा ये क्या बना रखे हैं सर आपने? ये छोटे चूजे के लिए। छोटे चूजे के लिए ये। हाँ। देखो वो भी रहे हैं इस मुर्गी के पास आसपास घूम रहे। ये देखो ये देखो ये चूजे हो रखे हैं इनके। हाँ, ये चूजे हैं इनके। अच्छा ये आपस में लड़ाई कर रही है जैसा? हाँ ये लड़ाई करती हैं आपस में। अच्छा ये एक दूसरे के बच्चे को मार भी देती हैं। अच्छा ये ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है इनका। ये देख लो दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ भी। तो इसके लिए क्या करते हो आप सर? इसके लिए इनकी देखभाल रखनी पड़ती है। अच्छा देखभाल जैसे? हाँ ये मुर्गी किसी दूसरे बच्चे को मारने दे। हाँ हाँ ये देखभाल रखनी पड़ती है। हाँ ये देखभाल रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा ये असील की मुर्गी है। हाँ वो टैनी की है। वो टैनी। टैनी और असील की लड़ाई हो जाती है। अच्छा तो सर आपने जैसे मल्टीपल, मैं देख रहा हूँ मल्टीपल ब्रीड कर रखी है आपने यहाँ पे। हाँ जी ठीक है, तो मल्टीपल ब्रीड की बजाय आपको एक ब्रीड पे नहीं जाना चाहिए था क्या इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हो अभी दिक्कत आ रही है? नहीं ये एक ब्रीड में भी आती है दिक्कत तो। अच्छा एक ब्रीड में भी आती है। टैनी है ना जो मुर्गी है वो मारेगी दूसरे बच्चे को। अच्छा अच्छा तो ये नेचुरल है? हाँ ये नेचुरल है, ये एक दूसरे को आपस में मारते हैं। अच्छा तो ध्यान रखना पड़ेगा इनका। हाँ इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान कैसे रखिए जैसे कि कोई सेपरेशन रूम में रख दे या अलग? हाँ इनको अलग अलग बांटना पड़ेगा। अच्छा अच्छा तो आप भी थोड़ा ध्यान देना इस पे ठीक है? हाँ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है अच्छा ये है क्या साइड, किस चीज का है ये साइड वैसे? ये बारिश बुरिश आए तो इसमें छोटे चूजे अंदर हो जाते हैं। छोटे चूजे अंदर हो जाते हैं। हाँ, बाकी बाकी सेने का तो वो बना रखा है। हाँ, वो है ना। ठीक है ये देख लो दोस्तों इस तरीके से सेड बना रखा है इन्होंने ताकि जो बारिश में चूजे वगैरह भीगे ना और आराम से आके यहाँ पे घुस जाए अगर बारिश वगैरह आए तो। अच्छा सर करीब अपने पास में फिलहाल कितने हैं देसी मुर्गे? ये हैं 300 के लगभग। 300 के लगभग है आपके पास? छोटे बच्चे हैं ये। आपका फार्म ही इतना बड़ा है कि मतलब ये 300 दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे। कुछ ये देखो उस साइड है, कुछ इस साइड है। देखो कितनी दूर तक गए हुए हैं। हाँ। उस साइड भी देखो और काफी आगे तक गए हुए हैं, पूरे कोने तक, मैं कोने तक भी दिख रहा है एक देख लो। अच्छा ये भी आपने बना रखा है ये? हाँ ये भी इनके बाहर बैठने के लिए। अच्छा बाहर बैठने के लिए। ये देखो दोस्तों एकदम देसी तरीके से कर रखा है इन्होंने। तो सर जैसे फ्री रेंज में आपके जो मुर्गे छोड़ रखे हैं आपके, तो उसकी क्या वजह है, मतलब फ्री रेंज से क्या फायदा होता है? फ्री रेंज से एक तो इनमें बीमारी नहीं आती। अच्छा और ये ग्रोथ जल्दी करते हैं। अच्छा सर। हाँ। तो ग्रोथ जल्दी होती है। दाना है वो जो दाने की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। दाने की कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ तो सर दाने की कॉस्ट कैसे कम करते हो? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो कोई घास वगैरह भी नहीं उगा हुआ। घास मक्खी मच्छर है। अच्छा मक्खी हरा चारा। अच्छा ये देखो बैठी भी हुई है और पानी का ये प्रबंध कर रखा है? पानी का ये। अच्छा कोई आपने ड्रिंक कर या फीडर वगैरह नहीं? ना ना वो मतलब देसी तरीके से। हाँ देसी तरीके। अच्छा अच्छा और ये देखो दोस्तों पेड़ भी है बीच में। हाँ इस पेड़ के ऊपर भी रहते हैं। हाँ पेड़ के ऊपर भी चले जाते हैं शाम को। हाँ शाम को चले जाते हैं। अच्छा तो देखो कितना बढ़िया सेटअप कर रखा है सर ने। अच्छा
जो आप एक साल से कर रहे हो, आपने करीब कितना कितने बेचे हैं? ये बेच दिए 450 के लगभग। 450 आपने बेच दिए? हाँ, इतने बेच दिए। अच्छा, तो क्या रेट बेचे आपने? ये मुर्गी, बड़ी मुर्गी जाती है 1000 रुपए की। अच्छा, और बड़ा मुर्गा 1200 रुपए का। 1200 रुपए का? हाँ। अच्छा, मतलब बढ़िया काम है वैसे तो ये। हाँ, बढ़िया काम है। अच्छा, कोई छोटा किसान हो इसको खोल सकता है? खोल सकता है। हाँ। अच्छा सर, कोई आपसे जैसे अगर हमारी वीडियो देख के आए तो थोड़ा कम दोगे उनको? हाँ, बिल्कुल कम कर देंगे। अच्छा, 800 की मुर्गी कर देंगे, 1000 का मुर्गा कर देंगे। 1000 का मुर्गा कर दोगे? हाँ। तो दोस्तों, अगर आप सर से कॉन्टेक्ट कर, से फ़ोन करके और उनको बताना कि मैंने वो वीडियो देखी थी, तो ये चीज़ बताओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ, डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा अच्छा, क्या क्या बिक्री में क्या क्या करते हो आप? बिक्री में छोटे चूजे, सर्दियों में अंडे, अंडे बड़े सभी बेचते हैं। सभी बेचते हो? हाँ। अच्छा, मुर्गे मीट के लिए चले जाते हैं? हाँ, मीट के पर्पज से भी जाते हैं, पालने के पर्पज से भी जाते हैं। हाँ, या कोई नया फार्म स्टार्ट करे तो? हाँ, वो भी ले जाता है। स्टार्ट करता है, वो ले जाता है। अच्छा, चूजे क्या रेट देते हो सर? चूजे का रेट नहीं पूछा मैंने। चूजे का रेट है, छोटे चूजे का 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ, फिर बड़ा होता है ऐसे रेट बढ़ता जाता है। अच्छा अच्छा, 100 मतलब कितने दिन का चूजा होगा जो 100 रुपए का होगा? वो 1 महीने से कम का। 1 महीने से कम का? हाँ, 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए रेट है, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा एक बार दिखा दो एक बार और। हाँ जी, थोड़ा इधर ये देखो दोस्तों, पूरा 1 एकड़ में कर रखा है इन्होंने ये फार्म, एकदम फ्री रेंज में है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। 300 मुर्गे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये देखो, ये देखो सर ने ये इस तरीके से बना रखा है। तो ये यहाँ पे ऐसे चूजे घूम रहे हैं इनके पास, है ना? काफी चूजे हैं ये देखो। अच्छा, ये मुर्गी अपने साथ ही रखती है? हाँ, इनको ये साथ रखती। ये चूजे सारे इसी मुर्गी के? हाँ, इसी के हैं ये सारे। अच्छा, काफी हैं ये, है ना? हाँ, काफी हैं। अच्छा, ये 30 के लगभग है। 30 के लगभग। कौन सी नस्ल है ये? ये प्योर देसी ब्रीड। अच्छा, प्योर देसी ब्रीड है। हाँ। देख लो दोस्तों, ये इस तरीके से, ये देख लो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये फार्म पूरा ऐसे पूरा देखो, करीब 1 एकड़ में बना रखा है। अच्छा सर, आपने ये शेड बना रखा है, ये जाली लगा रखी है, ये क्या रेट लेके आए थे आप? ये लेके आए थे 118 रुपए के जी, इस हार से 118 रुपए के जी। हाँ। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? लगता इसके। अच्छा, कौन सी जाली बोलते हैं इसको? इसको डबल पॉलिश में बोलते हैं। डबल पॉलिश में? हाँ। अच्छा, स्टील की डबल पॉलिश में। अच्छा सर, अच्छा ये नीचे जो आपने ये ईंट लगा रखी है, हाँ जी, ये इसकी क्या वजह है ये बताओ सर मेरे को। ईंट, ये कुत्ता बिल्ली है कोई आवारा, अंदर नहीं आएगा। अंदर नहीं आएगा? अच्छा, इसलिए लगा रखे ये। चार पाली ऊपर है, ये चार पाली नीचे है। कितने नंबर ईंट लगा रखी है आपने? ये है 2 नंबर की ईंट। 2 नंबर की ईंट है? हाँ, 1 नंबर की नहीं है, 2 नंबर की ईंट है। अच्छा, कई कई 3 नंबर में भी लगा लेते हैं, सस्ती पड़ जाती है उनको। हाँ, 3 नंबर की भी चल जाएंगी। चल जाएंगी, ये आपने 2 नंबर की लगा रखी। हाँ, 2 नंबर। क्या रेट पड़ी थी ये? पड़ी थी 6000 के लगभग। 6000 के? 6000 में 1000 ईंट। 1000 ईंट, ठीक है। अच्छा, और ये जैसे मैं देख रहा हूँ ये पोल वगैरह है, इनको क्या बोलते हैं पहले तो ये बताओ? इनको इंगल बोलते हैं। इंगल? अच्छा, ये क्या रेट पड़ी थी आपको? ये पड़ी थी 65 रुपए के जी। 65 रुपए किलोग्राम? हाँ, ठीक है। ये भी हिसार से लेके आए थे। हिसार से लेके आए थे? हाँ। वहाँ से सस्ता पड़ जाता है क्या? हाँ, वहाँ से सस्ता पड़ता है, यहाँ पर देते हैं लगभग 70-75 रुपए के जी। हाँ हाँ, वहाँ पर 10 रुपए कम में मिलती है। 10 रुपए कम में मिल जाती है? और इतनी लंबाई नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा, इसकी कितनी लंबाई है? लंबाई है कितने? 13-14 फुट की। 13-14 फुट की लंबाई है। नीचे भी दबा रखी है काफी। हाँ हाँ, और ऊपर भी है। अच्छा अच्छा, ये तार भी लगा रखी है आपने? हाँ, ये सपोर्ट के लिए। ये सपोर्ट के लिए? हाँ, सपोर्ट के लिए। तो ये करीब कितनी तार की जगह यहाँ पर सिरिया लगाना पड़ेगा? अच्छा। हाँ, ये तार है, ये ऑटोमेटिक धूप से बध जाता है। अच्छा। हाँ, धूप से स्ट्रेच हो जाता है? हाँ, स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, ढीला हो जाता है? ढीला हो जाता है। तो यहाँ पे सिरिया लगाओगे फिर? हाँ, सिरिया लगाएंगे, ये सिंगल से वहाँ तक सभी तो सिरिया से कॉन्टेक्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हो सर? इसके अलावा खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी का काम। खेतीबाड़ी है? हाँ। मतलब आपका ये साइड इनकम वाला बिजनेस है या मेन इनकम वाला बिजनेस है आपका? ना ना, साइड इनकम का है, मेन तो खेती है अपना। अच्छा, मेन खेती है आपका? हाँ। तो साथ के साथ ये चलता रहता? हाँ, है साथ के साथ ये चलता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत समस्या आती है आपको? ना, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मतलब बेचने में, मार्केटिंग में दिक्कत है?
मार्केटिंग में स्टार्टिंग में महीने दो महीने होते बाद में अपने आप कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे लोग आने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे कि मैं अभी आया हुआ था तब भी आपके यहाँ पे लोग आ रखे। हाँ आए हुए थे, अभी भी आए हुए हैं। हाँ हाँ वो वेट कर रहे हैं, थोड़ा देख भी रहे हैं भाई वीडियो वगैरह बन रही है तो। अच्छा अच्छा सर, एक बार आपने कॉन्टेक्ट बता दो आप।